अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई तो माशाल्लाह आज सीन है जैद भाई की छत का। ये जो लड़ाइयाँ चली थी ज़ुबैर भाई और जैद भाई की, माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त हैं इनकी छत पे आए हुए काफ़ी। ये देखें भाई, माशाल्लाह भाई काफ़ी सारे दोस्त आए हैं जैद भाई के। आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आप जैद भाई का सेलिब्रेशन करने आए हुए? अच्छा माशाल्लाह भाई, देखें आप खैरियत से हैं? जी हमें माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? देखें भाई दोस्तों, माशाल्लाह से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, जैद भाई के सेलिब्रेशन है, लड़ाइयाँ जो हुई थी 200 कबूतरों की, और काफ़ी सारे दोस्त यार आए हैं और काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत भी आई हुई है भाई छत के ऊपर। ये देखें भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये देखें भाई माशाल्लाह, अंकल भी। अंकल खैरियत से हैं आप? तबीयत कैसी है अंकल? माशाल्लाह आप जैद भाई का शौक की सेलिब्रेशन करने आए हैं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह पूरे इलाके वाले आए हैं, उन्होंने जो जीत है वो अपना जैद भाई को दिए सरिये के अंदर, जिनमें मैं कोरा कबूतर उड़ाया और अच्छा कबूतर उड़ाया, इससे आपका अंदाजा है। माशाल्लाह भाई, क्या शुगर है, क्या कर रहे हो? गोली खा लेंगे। दादा नहीं खा लेना? काफी खुश मिजाज शख्स है अंदर अहमद भाई। आज भाई आपको तो मना था मिठाई। खैर मुबारक हो। अहमद भाई से हो गया जी, आजम भाई से हो गया दो 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 पे। ये भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खैर मुबारक अहमद भाई, दूसरी शादी की क्या? इस पे हार नहीं कर सकते। लाए भाई आपको भी भाई मुबारक। खैर मुबारक आपको भी भाई, बहुत बहुत मुबारक। तो भाई आपने अली 200 लड़ाइयां भी, आपको मुबारक। आपको आपको भी साथ निकल जाएगा। आपको भी मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत मुबारक। निशान भाई आपको भी खैर मुबारक। आपको और कहा भाई आपको भी बहुत बहुत खुशी भी भाई। भाई खैर मुबारक। दुनिया ने देखा आपका गेम, सबने देखा, सबने देखने वालों ने खुद ही फैसला कर लिया कौन जीता है कौन हारा है, समझ गए? काजी बहुत मुबारक हो, बहुत भाई मुबारक हो आपको भी। जोड़ो भाई लगा आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। माशाल्लाह बहुत शानदार शो किया आप लोगों ने, आप लोगों को इतना लंबा कैमरे में भी नहीं भाई पूरा लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, जो है ना शौक मुबारक और जीत मुबारक हो आपको। ये हमारे निशान उस्ताद, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई।
आठ दिन कबूतर इधर से उधर इधर से उधर का सही है पूरे इलाके बहुत जितनी आपने कंट्रीब्यूट किए बहुत बड़ा है ऐसे कबूतर वाले होते ये नहीं कि दूसरे के कबूतर ला के उधर ये होती है कबूतर वाले कबूतर वो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अब्दुल हाथ भाई दिन भाई आपको बहुत बहुत शौक मुबारक हो मुबारक भाई भाईजान आज की ये तकरीब जो है हमारी ये जैद भाई के शौक़ के हवाले से हमारे जैद भाई ने शौक़ इलाके में अच्छा करके दिखाया इस हवाले से बोरे कबूतर अपनी छत पर 25 दिन इन्होंने कबूतर छत पर रोका है अपनी और बाकी जो सामने वाले थे उनका पूरा झाड़ खाया हुआ कबूतर था और हमारे कबूतर खाली 25 दिन के कबूतर थे बाकी जैद भाई को इसके ऊपर हमने जो है ना बहुत ज़बरदस्त समझो इनके इन्होंने इनाम वाला काम किया औरंगे टाउन के अंदर एक मिल्लत कॉलोनी के अंदर जैद भाई जो है इनको सब ने अप्रिशिएट किया आके और इलाका जो है पूरा मोहल्ला हमारा जो कबूतरबाज जो रुके थे सब आप पीछे दिखाएं जरा हमारे सारे कबूतरबाज खड़े हैं ताकि जो है इनकी भी हौसला अफजाई हो सके। तो अब्दुल्लाह भाई जो माशाल्लाह से लड़ाइया का सीन था उसमें जो जीत हुई है माशाल्लाह जैद भाई की हुई है उसमें जीत हमारे हिसाब से देखें पूरे इलाके के हिसाब से जैद भाई जीते हैं। अच्छा उन्होंने अपनी जीत खुद मनाई और खुद ही एक दूसरे को हार डाल के वो जीत उन्होंने मना ली है मगर तो हमारे हिसाब से वो कोई जीत नहीं है पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ है आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि जीत किसकी हुई है तो मतलब इलाके ने शौक देखा तो मतलब लड़ाइया का भी बैठ के कोई हतमी फैसला नहीं आया नहीं वो बैठने को तैयारी नहीं है भाई। अच्छा बैठ के बात करेंगे तो कोई बात होगी ना उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जीत मना ली बाकी हमारी तरफ से तो कोई वही नहीं है कि कोई शौक वही नहीं है सिर्फ पैसे को आग लगाई है हमने अपने। जैद भाई आपने हमें बताया था जब शुरू में लड़ाई हुई थी तो आपने हमें बोला था कि माशाल्लाह से दोनों पार्टी बैठ के सेलिब्रेशन करेंगे साथ में सब मोहल्ले वाले होंगे दोस्त यार होंगे उन्होंने सेपरेट अपनी सेलिब्रेशन कर ली और इलाके के जितने लोगों को हमने रुकवाया था जितने कबूतरबाजों को रुकवाया था उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया। अच्छा हमें बुलाया था मगर हमारा को जाने का वो ही नहीं बनता था ठीक क्यों जाए जब कोई शौक हुआ ही नहीं तो किस चीज़ की जीत कोई शौक होता कोई मारपीट होती कोई हार जीत होती तो फिर मज़ा आता ना ऐसी है तो भाई ये लिहाजा ये शौक़ के हवाले से है और जो भाई हमारे रुके थे उनकी दावत है सही माशाल्लाह से आपने अपना अपना जो काम बोला था जी बिल्कुल जो हमने अपने जहाँ तक बोला था वहाँ तक हमने उनका साथ दिया बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मुबारक हो जैद मुबारक हो एक दफा क्लैपिंग हो जाए टाइट तो भाई देखें बिट्टू भाई आप खैरियत से हैं तबीयत कैसी है आपकी आपके कैसे हैं माशाल्लाह भाई देखें अभी काफ़ी सारे उस्ताद लोग भी बुजुर्ग लोग भी आए हैं माशाल्लाह से सर आप कहिए से कि शोक क्या हो रहा था छत से आपने क्या देखा हमने देखा बकरा का बच्चा मैं काफी सारे दोस्त यार आए मेरे जीत भाई के मेरे अहमद भाई खड़े हैं मैं उन्हें आप खैरियत से हो ठीक हो भैया
से ईशान भाई आज दोस्तों को क्या खिला रहे हैं हमारे भाई? हम इनको मटन खिला रहे हैं, माशाल्लाह खाते हैं और इनका मैं शुक्र गुजार हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा दिखाइएगा, खोल के दिखाइएगा हमारे दोस्तों को। ये देखे भाई माशाल्लाह गर्मा गर्म माल है भाई, हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है दोस्तों देख के। माशाल्लाह भाई मटन कढ़ाई है भाई, क्या बात है भाई, फुल सेलिब्रेशन चल रही है दोस्तों यहाँ पर। बेहतरीन किस्म का मटन कढ़ाई का एहतमाम किया गया भाई जैद भाई की तरफ से भाई। माशाल्लाह से खाना शुरू हो गया दोस्तों देखे, मटन कढ़ाई का अरेंजमेंट है भाई। सर खाना कैसा बना हुआ है? जबरदस्त बना हुआ है भाई। ये पहली शिफ्ट लग गई रहमत भाई, आप भी आ जाओ यार। सुभान रहमत भाई, आपने खाना खाया कैसा बना हुआ है? खाना बहुत जबरदस्त मटन बना हुआ है भाई। अच्छा, और जैद भाई को अल्लाह ताला और हिम्मत दे, इन्होंने सैदियों को डटकर मुकाबला किया है। अच्छा जी, जैद भाई ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, इनको अल्लाह ताला और हिम्मत दे। और माशाल्लाह आज ये जितने भी हमारी मिल्लत की आवाम थी इनके लिए जैद भाई ने मटन का इंतजाम किया है। ये मटन बनवाया भाई जैद भाई ने, और तकरीबन ये सब जितने भी लोग हैं सब कबूतरबाज हैं, और जैद भाई के कहने पर एक आवाज़ पे सब ने कबूतर बंद कर दिए थे, रोक दिए थे। ये वो लोग हैं, इन्होंने ताउन किया और जैद भाई ने इनकी मोहब्बत में ये दावत का प्रोग्राम। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र भाई। मुर्तजा भाई ये बताइएगा, माशाल्लाह जैद भाई और जुबैर भाई की जो लड़ाई हुई है इसका जो मसले मसाइल हुए हैं इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट कर दें हमारे देखने वालों को। नहीं शौक तो अच्छा हुआ है, लेकिन बस एक होता है ना लड़ैया टाइप का शौक, वो नहीं हुआ ठीक है। बाकी इन दोनों भाई ने बहुत अच्छा शौक किया, जुबैर भाई ने अच्छे कबूतर उड़ा दोनों का ठीक है। इन्होंने ख़रीदारी करी, कोरा कबूतर छत पे खोला जैद भाई ने, बहुत अच्छा कबूतर उड़ाया इन्होंने। तो बहरहाल ये कि लड़ैया नहीं थी ये, क्योंकि कबूतर को कलर नहीं लगा, ना पर्चा बना, ना कोई मुंसिब आया ठीक है। इसको लड़ैया नहीं बोलते, ये एक छतों का शौक था ठीक है। तो अब ये अगली लड़ैया के लिए नवील भाई ने आवाज़ दिए अहद भाई को, अब्दुल अहद भाई को आवाज़ दिए जी नवील भाई ने आवाज़ दिए। तो पिछले एक हफ्ते से फ़ोन कर रहे हैं उनको ये, तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये उनसे भाई से कि प्यार मोहब्बत का शौक करें नवील अपना डोडो भाई के साथ, अब्दुल अहद भाई के साथ। तो आएँ कल, इनका कहना ये कल बैठ के पर्चा बनवाएं ठीक है। पर्चा बनवा के आगे छुट्टियां आ रही हैं 24-25 दिसंबर की, तो बाकी जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी कर लेंगे जो भी है। तो जुम्मे को कबूतर डाल लें, हफ्ते को लड़ा लें ठीक है। हफ्ता जो अभी जुबैर भाई और जैद भाई का जो मतलब लड़ाई है ये शौक हुआ है, लड़ाई नहीं हुई है? ये तो छतों का शौक था ना, ये देखो यूँ देखो लड़ैया होती है, अभी 500 कबूतर लड़ेंगे वहाँ पर, पूरा तौर तरीका होगा लड़ैया का ठीक है। एक पर्चा बनेगा, कलर लगेगा, मुंसिब आएंगे, दो दिन पहले कबूतर डलेंगे, यहाँ तो पता नहीं 4 महीने पहले कबूतर डलें मेरे ख्याल में, मुझे पता नहीं है, मेरे को जो इलाके वालों ने बताया सुनने में आया पता नहीं कब डलें बहरहाल ठीक है। तो बाकी इन्होंने तो ख़रीदारी करी है, इनका तो मुझे पता है, बाकी उनका मुझे नहीं पता, मैं कुछ बोल नहीं सकता कि पहले से डले हैं अभी डलें ठीक है। तो बहरहाल ये कि जुम्मे को कबूतर डालने ही है, हफ्ते को लड़ा लें, जुम्मे को छोड़ के हफ्ते को लड़ा लें ठीक है। उनके लड़ेंगे हफ्ते को, हमारे भी हफ्ते को लड़ेंगे ठीक है। कहना चाह रहे हैं मुर्तजा भाई कि कल बैठ के बात कर लें, फिर जो आगे छुट्टी आ रही है इसमें कबूतर लड़ाना है। ये मैं नहीं बोल रहा है नवी, इतना डोडो भाई का कहना है, डोडो भाई ये बोल रहे हैं कल बैठ के पर्चा बना लें, जुम्मे को कबूतर छोड़ लें, हफ्ते को लड़ा लें, हफ्ता इतवार पीर को लड़ैया फाइनल कर दें, पीर को 25 दिसंबर है ठीक है। तो ये लिहाजा नवील भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, डोडो भाई से प्यार मोहब्बत का शौक करना आपस में, तो नवील भाई कल आ जाएं इनके पास और बैठ के पर्चा बनाएं, जुम्मे को कबूतर छोड़ के हफ्ते को लड़ा लें। ये बोलने में जुम्मे को छोड़ूंगा हफ्ते को लड़ाऊंगा, लेकिन इनके पास ही हफ्ते का ही टाइम है बस, ऐसा ना हो कि 2-3 हफ्ते बाद 15-20 दिन बाद वो आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ अब लड़ा लो, ऐसा नहीं है। छुट्टियाँ अभी आ रही हैं भाई, ये जुम्मा हफ्ता इतवार पीर छुट्टी है, अभी बैठ के बात कर लें और कल पर्चा बना लें बस। मैं सिर्फ नवील भाई से कहना चाहता हूँ भाई, नवील भाई आप कल आ जाएं, पर्चा बनाएं और जुम्मे वाले दिन कबूतर डालें, जैसे मुर्तजा भाई ने बताया हफ्ते को कबूतर लड़ेंगे, हफ्ता इतवार पीर वाले दिन फाइनल कर देंगे लड़ाई। 3 दिन की लड़ाई होगी 3 दिन की लड़ाई होगी, टाइम का कोई इशू नहीं है। भाई ने कहा था दोपहर में लड़ाएंगे, तो हम दोपहर में लड़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है।
बाकी उन्होंने कहा था कि हम छत देख रहे हैं, एक हफ्ता हो गया अभी तक छत की कोई आवाज़ नहीं आई। मतलब आपके कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी? नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है। उनके पास नहीं तो हम दिला देंगे। चले, बहुत शुक्रिया। हाँ, अगर उनके पास छतें नहीं है तो भाई छतों का भी अरेंज करेंगे फिर। अच्छा, अगर वो बोलेंगे तो आप अपने एरिया में छतें भी दिलवा देंगे? बिल्कुल, अपने एरिया में नहीं लाएंगे, ठीक है, साइड एरिया में दिलाएंगे, औरंगी के अंदर दिलाएंगे। औरंगी के अंदर छतें मिल जाएंगी, ठीक है, और इनके कबूतरों की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, ठीक है, हम लिख कर देंगे। अच्छा, छतें हम दिलवा रहे हैं ना, इनके कबूतरों की जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा, इलाके में कोई कबूतर नहीं खोलेगा, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी होगी। इलाके में कोई पंचायत होगी, कोई इलाके बेपर्दगी का मसला, वो भी पंचायत हमारी होगी, ठीक है, और हम छतें दिलाएंगे तो अगर ये छतें दिलाते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। अच्छा, जो मतलब पार्टी अरेंज करवाएगी उसकी सारी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी होगी, कबूतरों की जिम्मेदारी, इलाके की पंचायत की जिम्मेदारी, ठीक है, कबूतर जो बास खोलने कबूतर जो खोल लेते हैं उनकी भी जिम्मेदारी इनकी होगी अगर ये छत दिलाएंगे। अगर हम छत दिलाएंगे तो हमारी प्रॉपर जिम्मेदारी होगी। बस छतें हमें औरंगी के अंदर चाहिए। औरंगी से बाहर शोक नहीं करेंगे, ठीक है, औरंगी के अंदर करेंगे, आना जाना ये वो बड़ा मसला होने वाले लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आज ज़ुबैर भाई और जैद भाई की जो लड़ाई हुई थी उसका इख्तिताम माशाल्लाह से जैद भाई ने सब दोस्तों की दावत की। ये सारे भाई माशाल्लाह से खड़े हैं, सारे कबूतरबाज भी हैं और ज़ुबैर भाई के सारे दोस्त यार भी हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह से बुज़ुर्ग भी आए हैं हमारे, माशाल्लाह से आज़म भाई भी हैं, ये सामने शान भाई खड़े हैं, जैद भाई, इनकी सारी टीम खड़ी हुई माशाल्लाह। सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया भाई इनके साथ, सब ने अपने कबूतर बंद किए। तो जैद भाई से हम इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। बस अब्दुल रहमान भाई, मैं ये बोलना चाहूँगा जितने मेरे दोस्त यार हैं, जितने मेरे कबूतर भाई हैं, जो जिन्होंने मेरे कहने पे कबूतर रोके, उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सब भाइयों का, जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया और मेरी दावत को एक्सेप्ट किया। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।